हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप। दोस्तों ये जो एपिसोड है ये पार्ट टू है हमने जो पिछले एपिसोड किया था उसका, जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पैनल्स और प्लास्टिक शीट्स जिनका मल्टीपल यूजेज होता है, आप अपने वॉल पे और डोर्स के ऊपर उसको लगा सकते हैं। इससे पहले का एपिसोड है, आपने थोड़ी देर पहले ही देखा होगा वो। उसके बारे में आपको बता दें कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि उसको कहाँ लगाना है तो उसके बारे में आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, तेज प्रताप जी को। तेज प्रताप जी आपको हर सवाल का जवाब देंगे। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पिछले वीडियो का पार्ट है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी तरह का तो आप उनसे बात कर लें, वो आपको गाइड करेंगे। दिखने में वीडियो अपलोड करने के बाद जो मुझे फील हुआ वो ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा डिज़ाइनर्स के पर्सपेक्टिव से है या उन लोगों के लिए है जो टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। क्योंकि वो जो शीट है वो आप अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपके स्कीम में आपके जो आपके थीम आपने क्रिएट किया उसमें फिट बैठती है, तो उसके लिए आप तेज प्रताप जी को फ़ोन कर लीजिए, उनकी टीम आपको गाइड कर देगी कि उसको कहाँ और कैसे लगाना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तेज प्रताप जी से उस वीडियो के कंटिन्यूशन में बात करते हैं। तेज प्रताप जी, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। आपके पास क्या क्या? ठीक है, सो यू हैव दीज वुडन ब्लाइंड्स। ओके, ये रियल वुड है? ओके, ऑल राइट। और आपके पास क्या है? इसमें देखिए ज़ेब्रा ब्लाइंड्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये ज़ेब्रा ब्लाइंड्स हैं। ओके, देखिए बीच में जैसे आप करना चाहें तो शेयर रहेगा, थोड़ा लाइट आएगी। अच्छा, यहाँ पे आप एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी लाइट का घर में फ्लो चाहिए। Exactly. आप अगर चाहिए पूरा ब्लैकआउट तो आप उसको ब्लैक कर सकते हैं, जैसे भी आपने एक के ऊपर ऐसे किया, और अदरवाइज आपको चाहिए तो आप हाफ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसीलिए जैसे ये हमारा एक रोलर ब्लॉक आउट है, ये पूरी तरह ब्लॉक आउट कर देता है। जैसे सनलाइट किसी को बिल्कुल नहीं चाहिए तो एसी के लिए भी ये बेसिकली अच्छा रहता है। ऑलराइट, ठीक है। ये सिंथेटिक में है ये? हाँ, सिंथेटिक। और यही चीज आपको एक क्लॉथ फैब्रिक में है, मिल जाएगी। ये भी रोलर ब्लॉक आउट है। अच्छा, ठीक है। इसमें ये आपका है टीडीबीयू, ये बेसिकली इसमें लेनिन टीडीबीयू बोलते हैं इसको। इसमें ये शीयर फैब्रिक है और ये ओपेक फैब्रिक है। डिफरेंट ऑप्शन, ये एक्चुअली इट्स लाइक अ नेट, राइट? पूरी तरह से ओपेक हो गया और इसको लॉक कर दिया। अच्छा, ओ वाओ। हमें ये कम चाहिए तो इसको ये नीचे से फिक्स है क्या? हाँ, नहीं नीचे से नहीं फिक्स, नहीं, इसको भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से ये लिफ्ट हो जाएगा इसे ऊपर, इसको भी कर सकते हैं। Alright, so this is a very unique product. Right. ये बहुत unique है अपने आप में। ये भी आपके फैब्रिक के ऑप्शन है? जी, ये आप देखते हैं ये प्रिंटेड रोलर ब्लाइंड है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला, ये टोटल ब्लॉक आउट वाला है जो सेम उसमें से होता है। एक बात, ये भी ज़ेब्रा का एक ऑप्शन है। इसको थोड़ा लुक देख सकते हैं। तो ये भी मतलब कई सारे कलर शेड्स में आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये भी रोलर का ही एक ऑप्शन है अवेलेबल हमारे पास। ओके, और प्रिंटेड में है। ये एपेक्स ब्लाइंड है। ऑलराइट, एपेक्स ब्लाइंड क्या होता है? इसमें जस्ट नॉर्मली ये रहता है, क्लोथ फैब्रिक टाइप का रहता है। अच्छा, ये फैब्रिक है, राइट? अच्छा, ये डस्ट कलेक्ट करेगा तो इसको वॉश कर सकते हैं क्या? तो ये ऑप्शन इसको खोल के दिखा दीजिए। ये एक ऐसी डमी इमेज है, ये देखिए, दिस इज अ मॉडल। ओके, आई मीन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू समबडी, आप गिफ्ट कर सकते हैं विंडो के हिसाब से, अपने बेडरूम में पर्सनल स्पेस में आप करा सकते हैं। अगर आपके ड्राइंग रूम में आपको लगवाना है, कोई सीनरी लगवानी है, है? कोई वो भी लगा, तो आप वो कस्टमाइज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। पिक्चर लगवा सकते हैं। हाँ, बच्चों के रूम में आप बच्चों के फोटोज लगा सकते हैं, बच्चों के इमेजेस लगा सकते हैं, पेट्स के फोटोज लगा सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कोई न्यूली वेडिंग कपल हो उनका रूम बनाया तो शादी के फोटो भी लगा सकते हैं इसमें। वेरी नाइस। अदरवाइज आप जनरली कोई भी इमेज जो आपको पसंद हो वो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है काफी दिन से डिमांड में है रिलेटेड टू ब्लाइंड्स। लोग पूछते हैं कि ये जो रिमोट ऑपरेटेड ब्लाइंड्स होते हैं, मोटर ऑपराइज भी हैं, जो भी आप चाहे चूज करना चाहें वो मोटराइज हो सकते हैं। उसमें आप अपने स्पेस में बैठे हैं जहाँ पे भी, वहाँ से आप मोटर से उसको रोल अप और रोल डाउन कर सकते हैं। और ये जो वर्टिकली नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल जो ट्विल्ट होता है वो भी ऑप्शन होता है क्या उसमें? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन,
ये ऐसे ऊपर नीचे भी हो जाएगा, ठीक है, वो भी मोटर से चलता है, वो ऑलमोस्ट उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, ओके ठीक है, हम प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जिसको पसंद आएगा वो आपसे बात कर लेंगे। और बताइए आप कुछ बोल रहे थे? मैं इसमें बदल के आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। अच्छा, आपके पास कुछ वुडन फ्लोरिंग भी है? ओके, और ये नॉमिनली 154 पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है, 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओह ओके, एक काम करते हैं, इसको जरा ऊपर रख लीजिए। तो सैंपल्स मंगा लिए आपने, लेट्स स्टार्ट, दिखाते हैं। पहले ये वाला बता दीजिए, ये वाला क्या है? ये फिश बोन स्टाइल में वुडन फ्लोरिंग है। ओके, ये लैमिनेटेड रहता है। ऑलराइट, ये रियल वुड होता है? हाँ, रियल। ओके, इसके मेंटेनेंस के बारे में बताइएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ये जनरली हम इसको नहीं, एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे, पहले डिजाइन की बात कर लें। ये फिश बोन है, ये भी आप घर में कहीं भी लगा सकते हैं, लिविंग रूम, ड्रॉइंग रूम, जिम एरिया, क्लब, पब्स, कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, वुडन फ्लोरिंग को लेके थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ये बताइए कि क्या ये थिकनेस वेरी करता है कि सबका एक ही होता है? किसी में 8 mm होता है, किसी में 12 mm होता है। अच्छा, 6 mm होता है। ओके, 18 mm होता है। 18 mm भी आता है? हाँ, आता है। ओके, तो कैसे चूज करेंगे उसको कि कहाँ पे कौन सा लगाना है? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, जैसे स्टेयर केस में थोड़ा सा मोटा यूज करते हैं उसको। अच्छा, थोड़ा फ्लोरिंग। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये ऐसे साउंड करता है जो रियल वुड होता है। ये थोड़ा हार्ड सरफेस है, ये थोड़ा रफ सरफेस है, इसको भी आप लगा सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग है, दिस इज वेरी नाइस। इसको चूज करने से पहले कुछ कलर्स के बारे में बता दें कि इफ यू हैव ग्रे कलर वॉल देन दिस लुक्स वेरी नाइस। लाइट शेड की वॉल्स होती हैं तो लाइट शेड के फ्लोरिंग भी अच्छे दिखते हैं। ओके, दिस इज वन, अनदर वन इज दिस रियल वुड, वॉलनट कलर में, ये वॉलनट कलर में है। ओके, और ये वाला है, ये कौन सा कलर होता है? ये अमेरिकन वॉलनट करके, ये अमेरिकन वॉलनट है। एंड दिस वन ब्राउन, ब्राउन कलर है। एंड दिस इज द ग्रे वन, थोड़ा ग्रे। ये कौन सी वुड से बनता है? कलर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, सेम वुड को कलर टेक्स किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये हम कुछ ही दिखा पाएंगे अभी, क्योंकि आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट हैं। मुझे बताइए कि वुडन फ्लोरिंग जो है कौन से एरियाज में लगाना चाहिए, क्योंकि टर्माइट का इशू, पानी का इशू, ये सब रहता है ना, तो इनको कुछ, जब आप वुडन फ्लोरिंग प्लान कर रहे हैं अपने घर में, तो कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, कुछ है उसमें ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि टर्माइट रेजिस्टेंट रहते हैं। अच्छा, और जनरली खराब नहीं होते हैं 5-6 साल तक तो। अच्छा, ऑलराइट, और थिकनेस के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया, और एक चीज़ और बता दीजिए मुझे इसके बारे में कि इसको जब साफ करते हैं, नॉर्मल फ्लोरिंग तो ऐसा होता है गीले कपड़े से पोंछते हैं, इसको भी कर सकते हैं? This can be done with this. Yes. I have heard it कि आप विनेगर डालने थोड़ा तो अच्छे से साफ होगा, once in a while विनेगर डाल के साफ कर सकते हैं इसको। ऑल राइट, बाथरूम के आसपास लोगों के, या मैंने देखा है, जनरली चिप ऑफ हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से, ओके, प्रॉपरली आपको फ्लोर का ट्रीटमेंट देना होगा पहले, उसके बाद में इसको लगाएं। और क्या रेंज में है, स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज इसका? अप्रोक्सीमेटली 154 स्क्वायर फीट के आसपास सब कुछ है। फिक्सिंग चार्ज मिला के? 15 चार्जेस अलग है, 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है ये। और ये इसमें भी क्वालिटी होती है क्या अलग अलग? हाँ, अलग अलग क्वालिटी, थिकनेस के हिसाब से कि क्वालिटी पर से क्वालिटी? थिकनेस के हिसाब से। अच्छा, ऐसा होता है कि ज्यादा थिकनेस है तो ज्यादा अच्छा है वो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, पर्सनली लोगों को लगता है इस तरीके से, बट आप पतला वाला भी लगाएंगे तो भी वो चलेगा। अच्छा, कोई इतना इशू नहीं आता। ओके, इन पैनलिंग को, ये वाली जो फ्लोरिंग है एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोरिंग है ना? हाँ, क्योंकि आपके जो पीछे लगा हुआ है वो वॉल के लिए है। वो वॉल के लिए बेसिकली, वो वॉलपेपर है। ओ, मुझे लगा वो वुड है। वेरी ब्यूटीफुल वॉलपेपर। वी विल डू वन मोर वीडियो ऑन वॉलपेपर्स, बट सम नेक्स्ट टाइम। फ्लोर दिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था जो आपने दूर कर दिया पर्टेनिंग टू द वुडन फ्लोरिंग। वेरी नाइस, आई विल शो वंस अगेन। ये देखिए, दीज आर द ब्यूटीफुल कलर्स। इसमें कितने शेड्स आपके पास होंगे तेरे प्रताप जी? ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, आपको जो शेड चाहिए। अच्छा, काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। ये भी ऑल इंडिया डिलीवरी होगी? हाँ। ओके, थोड़ा ऑर्डर बढ़ाना चाहिए, ऑर्डर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में तो बेसिकली आपको, एनसीआर में तो हम कहीं भी डिलीवर कर रहे हैं। पहले हमने वॉलपेपर किए थे तो आपने अच्छी सर्विस भी दी है जी 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 लोगों को काफी। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। कुछ और क्वेरी रहेगी? थैंक यू, कुछ और क्वेरी रहेगी तो आपसे फिर कॉन्टेक्ट करेंगे। नीचे कॉमेंट्स प्लीज, आप भी कॉमेंट में रिप्लाई करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।